हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स का टॉपिक जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो सबसे पहले हमें समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना ये एक टर्म है जस्ट टू टेल, मतलब बस ये बताने के लिए दिया गया है कि हाउ इजिली अ लाइट कैन ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर मीडियम। मतलब अगर कोई भी एक मीडियम हमें दे रखा है तो उसमें लाइट कितना इजिली ट्रैवल करेगा ना, यही चीज क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, इज विथ विच लाइट कैन ट्रैवल ये बात बताता है, ठीक है। थ्रू अ मीडियम, ट्रैवल थ्रू अ गिवन मीडियम, ठीक है। अब देखो हमें क्या समझना है, अब हमें ये समझना है कि अब यहाँ पे एक और चीज मैं बोल रही हूँ वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द ऑप्टिकल डेंसरनेस ऑफ अ मीडियम। हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द ऑप्टिकल डेंसरनेस ऑफ अ मीडियम, डेंसरनेस ऑफ मीडियम, ठीक है। अब फिर देखो सबसे पहला अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए सवाल कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, इट इज द डिग्री थ्रू विच अ लाइट गेट रिटार्ड्स और स्लो डाउन वेन एवर इट पासिस थ्रू अ मीडियम। मतलब ये है कि मान लो अगर हमने ग्लास, ये मान लो ये एक पीस ऑफ ग्लास है, ठीक है। अब पहले रे ऑफ लाइट क्या और ट्रेवल करके आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसकी मान लो स्पीड कुछ भी होगी, रैंडम कोई स्पीड है। अब जब वो ग्लास के थ्रू पास कर रहा है तो उसकी स्पीड स्लो हुई कि बढ़ी, वो हमें कौन बताते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को क्या बोलोगे तुम लोग, इट टेल्स अस द डिग्री बाय विच लाइट रिटार्ड्स और स्लो डाउन इन अ गिवन मीडियम, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर मीडियम में लाइट कितना स्लो डाउन करेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा किसी मीडियम का वो उतना ज्यादा लाइट को स्लो करेगी, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला, इट टेल्स अस द डिग्री बाय विच लाइट रिटार्ड्स और स्लो डाउन इन अ गिवन मीडियम, ये बताता है कि एक पर्टिकुलर मीडियम में लाइट कितना स्लो करेगी, है ना। तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उसमें लाइट उतना स्लो डाउन करेगी, है ना। हम ये कह सकते हैं उसमें लाइट विल गेट स्लो डाउन, है ना। उसका मतलब उसमें लाइट इतना स्लो डाउन करेगी। और ऐसे ही मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और एक बात याद रखो तुम लोग, क्या बोला मैंने कि जितने भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होते हैं ना उनका जो म्यू का वैल्यू होता है या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो मैंने क्या बताया, फिर से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमें ये बताता है कि हाउ इजिली अ लाइट कैन ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर मीडियम, ठीक। फिर ये हमें बताता है ऑप्टिकल डेंसरनेस ऑफ अ मीडियम कि कोई मीडियम अगर, देखो यहाँ पे मैंने ये बात बताया ना, ऑप्टिकल डेंसिटी समझाया, फिर मैंने ये बताया कि जिसकी म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली डेंसर कहलाता है, और जिस मीडियम का म्यू का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि हमें म्यू से पता क्या चलता है, वो हमें बेसिकली क्या बताया था, ये हम समझ चुके, ठीक। अब देखो हमें क्या समझना है, अब हमें म्यू का फॉर्मूला देखना है। अब एक बात समझो, जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से म्यू या फिर एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम to that of speed of light in any medium, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला बताया, रियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फील होता है वो हमें समझना है, ठीक है। तो म्यू क्या होता है, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है,
3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसे सी से ले सकते हैं और किसी मीडियम में जो उसकी वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी उसे हम वी से लेते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई वी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बात मैंने तुम लोग को बताई। फिर दूसरी बात एक याद रखो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, इट इज बिकॉज रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड बाय स्पीड का रेशियो है ना, इसीलिए ये यूनिट, इसके पास ना कोई यूनिट होती है और ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशनलेस होता है ये। ठीक है, डायमेंशनलेस, ठीक। तो ये बात हम समझ गए। अब हम एक्चुअली में समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि ये एक्चुअल में हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, हम इसकी फीलिंग्स को समझने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं क्या बताती हूँ, जैसे मान लो कोई एक ग्लास है, ठीक है, मतलब लाइट है वो एयर से आ रही है और वो ग्लास के थ्रू पास करेगी। ठीक है, तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, म्यू जी हमें पता है 1.5 होता है। ठीक, अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस हिसाब से म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई वी। अब मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ दैट लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू ग्लास, जब वो ग्लास से पास करेगी तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड या वेलोसिटी तो होगी ना, तो वो कितनी है वो तो मुझे निकाल के बताओ। तो हमें क्वेश्चन में ये पता है और हमें ये पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यही तो था, ये रेशियो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम, है ना। तो वो मीडियम अभी हमारे लिए क्या हो गया, ग्लास। तो अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है, डिवाइडेड बाई 1.5 कर देंगे। तो ये जब इधर चला जाएगा, इसको 3×1 = 3, 5 और ये कितना हो जाएगा, 2×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी समथिंग स्पीड आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब लाइट जो है जब एयर में था या वैक्यूम में होता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब वो ग्लास के थ्रू पास कर रहा है तो उसका स्पीड कितना हो गया, 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात बताओ, जो भी हमारी स्पीड है लाइट की वो क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई ना। तो यहाँ पे यही चीज है, समझो इस बात को, कि अगर सेम केस में डायमंड का ले लूँ तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो समथिंग होता है 2.42। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड हमारी कितनी निकल के आती है, 1.2×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ध्यान दो, जब लाइट एयर में था वैक्यूम में था तो उसका स्पीड कितना होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब जब वो कहाँ से पास कर रहा है, जब वो ग्लास के थ्रू पास करता है तो उसका स्पीड थोड़ा घट जाता है, कितना होता है, 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो डायमंड के थ्रू पास होता है ना तो उसका स्पीड और घट जाता है, दैट इज 1.2×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है वो क्या हो रही है, गिवन अलग अलग मीडियम के बदलने से क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी या स्पीड, उसकी स्पीड पे भी फर्क पड़ रहा है। तो ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है विथ रेफरेंस टू एयर या वैक्यूम हमारा जो लाइट है उसका स्पीड बढ़ेगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है। ध्यान से समझो, जब हमने ग्लास में देखा तो इसका स्पीड घट रहा है, डायमंड में और घट गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, इट मेनली टेल्स अस अबाउट दिस, कि जो भी हमारा लाइट का स्पीड है वो एक पर्टिकुलर मीडियम में विथ रेफरेंस टू एयर या वैक्यूम वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आई होप अब फॉर्मूले के साथ ये क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये तुम लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कहानी। अब एक टर्म आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या टर्म आता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम अदर देन एयर एंड वैक्यूम टू अनदर मीडियम, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, और वो मीडियम एयर या वैक्यूम को छोड़ के कुछ और है, अदर देन एयर और वैक्यूम टू अनदर मीडियम, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम किसके बीच में बात कर रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, तो वहां पे एक टर्म तो पक्का होता ही है, कौन सा, एयर या फिर हमारा क्या होता है, वैक्यूम। लेकिन जब हम किसी दो ऐसे मीडियम, मतलब अब हम एयर की बात नहीं कर रहे, जो हमारा लाइट है वो मान लो वाटर से ग्लास में या ग्लास से वाटर में अगर ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे हमने किसको दो मीडियम बनाया, वाटर और ग्लास, तो यहाँ पे हम लाइट का ट्रैवल करने का कहानी तो सुन रहे हैं, लेकिन किसके बीच में, दो मीडियम के बीच में बात कर रहे हो, दो मीडियम में से एयर और वैक्यूम तो कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। तो तभी हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना हमेशा ऐसे दो सबस्क्रिप्ट लगे होते हैं, जहां से जो लाइट ट्रैवल कर रहा होता है वही दो सबस्क्रिप्ट लग जाते हैं, मतलब वाटर टू ग्लास करेगा तो ये हो जाएगा, अगर ग्लास टू वाटर करेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे लिखते कैसे हैं, तुम्हें ये समझ आना चाहिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है। देखो मैं इसको यहाँ समझा रही हूँ, तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं ये समझेंगे। अगर मैंने बोला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर ये लिखा हुआ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जनरली ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिस दो मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो ऐसे ही कुछ लिखा तुम्हें मिलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ वाटर, या कभी लिखा होगा ग्लास विथ डायमंड, कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। तो एक बात समझ लो, जिसके भी आगे ये लिखा है ना विथ रिस्पेक्ट टू, तो जिसका विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है, वाटर, तो म्यू का साइन बनाओ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब हमें किसको रिस्पेक्ट देनी है, वाटर को, तो जो इसको रिस्पेक्ट देते हो उसको कहाँ रखते हो, ऊपर, तो यहाँ पे ये वाटर ऊपर होगा और ग्लास नीचे होगा। अगर यहीं पे लिखा होता है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डायमंड ऊपर आ जाता है, ग्लास नीचे आ जाता है, ठीक है। अब एक और बात समझ लो, इसे रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो रेशियो में जब लिखते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जब इसको रेशियो में लिखोगे तो वापस उल्टा कर दो, जो नीचे था उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर था उसको नीचे लिख दो, ठीक है। तो आई होप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बात तुम लोगों को समझ आई होगी। तो अब देखो, अब हम एक फॉर्मूला निकालेंगे या देखेंगे कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टू, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोला विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टू, तो वन, तो इसे हम ऐसे कैसे लिखेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम वन टू दैट ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि म्यूज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई वी। अब हमें पता है कि c तो सब जगह कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, अगर मीडियम बदलेगा तो ये v बदलेगा ना, तो मान लो हमारा म्यू वन के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, c बाई वी वन, क्या लिखेंगे, c बाई वी वन, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय c बाई वी टू, तो ये कैसे हो जाएगा, c बाई वी वन इंटू वी टू बाई c, तो c से c कट गया, तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, म्यू वन अपॉन म्यू टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी टू अपॉन वी वन। दैट इज क्या बोला मैंने, कि अगर तुम ध्यान दो तो वेलोसिटी के साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है वो कैसा आता है, इनवर्स आता है, और यही चीज तो हमने पढ़ी भी है ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, उतना कम हो जाता है ना, ये तो बताया मैंने, और ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये चीज, ये एक फॉर्मूला है जो तुम लोग को याद रखना है, और ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू वन वी वन इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, म्यू टू वी टू, ठीक है, इसको यहाँ याद रखना, मैं जरा यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, म्यू वन वी वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू टू वी टू, ठीक। अब हम समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ के रिलेशन को समझने के लिए तुम लोग को एक फॉर्मूला है जो याद रखना होगा, और वो क्या, अकॉर्डिंग टू काउचीज ने ये कहा था, फॉर्मूला दिया था कि म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4, ठीक, जहाँ पे ए बी सी जो होता है वो काउचीज कॉन्स्टेंट होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि म्यू जो है इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वेवलेंथ, यहाँ से हम ये देख रहे हैं ना कि म्यू जो है
और वेवलेंथ का जो है वो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, ये हम कह सकते हैं ना कि अगर लैम्डा किसी लाइट का ज्यादा होगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ आया? तो वेवलेंथ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है ये मैंने समझा दिया। तो देखो यहाँ पे तुमने ये वाला रिलेशन समझ लिया अकॉर्डिंग टू काउचीज फॉर्मूला, जो भी इसका प्रोनंसिएशन होगा देख लेना। हमने ये समझा कि जो म्यू है और जो वेवलेंथ है वो क्या है, दोनों से इनवर्स रिलेशन है दोनों का। तो हम चाहें तो एक और इस फॉर्मूले को और थोड़ा एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, वो क्या है, अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, है ना। तो इसे मैं ये लिख लू, वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू क्या लिखा था, टू अपॉन, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। फिर हमने वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन क्या निकाला, इनवर्स रिलेशन है, दैट इज वी टू बाई वी वन। ऐसे ही अगर अब हम लैम्डा के साथ लिखना चाहे तो लैम्डा के साथ कैसे लिख सकते हो, लैम्डा के लिए क्या कर सकते हो, इसका भी तो इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा यहाँ पे वन है तो टू आ जाएगा, और लैम्डा यहाँ टू है तो यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तुम ये फॉर्मूला, इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जो भी कुछ दिया हो वो केस के हिसाब से हमें समझ के लगाना होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी, वेवलेंथ किसी के भी टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये चीज तो पढ़ ली थी, ये मैंने समझा दिया कि हम ऐसे इससे भी निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला। अब अगर चाहो तो मैं एक और तरीके से बता सकती हूँ, वो तरीका क्या है समझो। इधर हमने देख रखा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है वेव्स के लिए, लाइट के लिए, और वो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, f लैम्डा, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है, अब जो ये फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये तब तक नहीं बदलता है जब तक सोर्स नहीं बदलता है ना। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे मान लो लाइट जो भी आ रहा है, मान लो जो लाइट आ रहा है वो कहाँ से, एयर से पहले पास करके फिर ग्लास के थ्रू पास हो रहा है, तो यहाँ पे जब तक सोर्स नहीं बदलेगा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सोर्स, है ना, ये हम कह रहे हैं। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जो कि मैंने अभी ये फॉर्मूला बताते टाइम भी बताया। देखो यहाँ पे वी टू है तो यहाँ भी लैम्डा टू है, यहाँ वी वन है तो यहाँ लैम्डा वन है, लेकिन यहाँ वन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन है, तो यहाँ वेवलेंथ ऑफ टू लिखा हुआ है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी और जो लैम्डा होता है दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिखा है मैंने। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमने, ये यहाँ से हमें ये पता चला। अब मैंने एक फॉर्मूला तुम लोगों को यहाँ पे लिखवाया था, म्यू वन वी वन इज इक्वल टू क्या, म्यू टू वी टू। तो क्या मैं यहाँ पे वी वन के जगह ये लिख सकती हूँ, म्यू वन वी वन के जगह क्या आ जाएगा, एफ लैम्डा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू एफ लैम्डा टू, है ना। तो एफ और एफ कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास फॉर्मूला, म्यू वन लैम्डा वन इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू टू लैम्डा टू, ये आया म्यू टू लैम्डा टू। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टू बाय लैम्डा वन, जो कि यहाँ से मन चाहे तुम लोग का तो यहाँ से लिख लो, और यहाँ भी मैंने बता ही रखा है किसी से भी लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका, कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो हम, अगर क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी दिया है तो उसके टर्म में भी हम उसे निकाल सकते हैं, वेवलेंथ दिया है, लैम्डा दिया है तो उसके टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, वो मैंने फॉर्मूले के थ्रू तुम लोग को बता दिया है। और एक बात ये बतानी है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो मेनली नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वीडियो होता है वो खत्म होता है। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय।